हेलो, माय यूट्यूब चैनल अतरंगी रेसिपी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलती हूँ, ये जो मैंने मावा बनाया था घी से जो निकला था, तो वो मैंने बचा के रख लिया है। तो ये मीठे समोसे बनाऊंगी, चल के देखती हूँ कैसे बनाने हैं। पूरी वीडियो देखें, स्किप मत करें, चल के देखती हूँ। तो ये हमने सबसे पहले ड्राई फ्रूट ले लिए हैं कुछ, तो ये किशमिश है, तो इसे भी हमें, ये सारे ड्राई फ्रूट कट हो चुके हैं इस तरीके जो रह गए हैं, इन्हें भी बारीक कर लेना है। ये देखिए सारी है, थोड़े मोटे मोटे रहेंगे तो खाने में क्रंची लगेंगे, जैसे दांतों में पड़ेंगे तो ये क्रंची लगेंगे। तो पहले हमने बॉयल ले लिया है, एक बाउल ऐसा ले या बड़ा बर्तन ले जैसे कि आसानी हो सके गूंथने के लिए। और अब एक हमने छन्नी रख ली है, तो ये छन्नी की मदद से मुझको नाप के मैदा लिया एक कप, थोड़ा थोड़ा करके इसको छानना है, जो एक आध कण होंगे वो निकल जाएंगे। और जो चीज हमें लेनी है नाप के ही लेनी है, जब ही ये परफेक्टली अच्छे बनेंगे, जो चीज हम बनाएंगे वही चीज अच्छी बनती है। जो हमें नाप के सामान डालना होता है तो बढ़िया होता है, कभी खराब नहीं बनेगी। तो ये दूसरा कप यानी दो कप ले रही हूँ। तो ये दो कप मैंने ले लिया है मैदा। और वजन में ये देखेंगे तो लगभग ये 300 ग्राम है। और ये थोड़ा मेल्ट के लिए डाल रही हूँ घी, मेल्ट किया हुआ घी है, मोइन के लिए डाल रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा के डालना है। तो ये 4 से 5 चम्मच घी है इसमें। इस तरीके से हमें जो है थोड़ा सा और डालना है, जो है सारा मिक्स कर लेना रहा। परफेक्टली मोइन हो गया है, तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके, ये देखिए, तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके गूंथ लेना है। ये थोड़ा टाटा हमने गूंथ लिया है, ज्यादा मुलायम नहीं, थोड़ा टाइट ही गूंदे क्योंकि हमें समोसे बनाने हैं, इसलिए थोड़ा टाइट ही गूंदा है। अब रख रही हूँ 15 मिनट के लिए। आटा हमने रख दिया सॉफ्ट होने के लिए, जब तक ये मावा को इसमें भरने के लिए सारा कुछ मिक्स करके हमें रखना है। तो ये मावा को मैं हाथ से मसल करके बिल्कुल चूरा कर दे रही हूँ ना, चूरा हो जाएगा तो हमें भरने में बहुत आसानी होगी। ये देखिए, और ये अब डाला है गोले का बुरादा, चाहे तो आप कट करके छोटे छोटे पीसेस भी डाल सकते हैं। और अब ये डाल रही हूँ जो मैंने ड्राई फ्रूट काटे थे वो डाल दे रही हूँ, और टेस्ट अनुसार थोड़ी सी चीनी डाल रही हूँ, बस चीनी थोड़ी बचा लूँगी, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि मीठा ज़्यादा हो जाएगा। और अब ये डाला जाएगा इलायची पाउडर, बस इतना ही डाल करके हमें अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर देना है कि सारा फ्लेवर एक साथ हो जाए एक जैसा, तो ये टेस्ट लगेगा खाने में। पूरा इस तरीके से हाथ से ही मिला दे रही हूँ। तो ये देखिए स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है, इसको साइड में रख दे रही हूँ भर के। और जब तक ये देख रही हूँ, ये आटा हमारा सॉफ्ट हो गया है काफी, तो इसे निकाल लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। ये एक बार और मिला ले रही हूँ, तो छोटे छोटे लोई काट लेनी है इसे हमें इस प्रकार से। अपने हिसाब से लोई हमें काट लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमें ये सारी लोइयां हो चुकी है, और एक लोई को लेकर के हमें इसे बड़ा कर लेना है। थोड़ा सा लगा रही हूँ घी, थोड़ा बड़ा करने के लिए घी ही लगाएं, जैसे कि मैदा वगैरह बिल्कुल ना लगाएं क्योंकि बिल्कुल मैदा से
बढ़िया नहीं रहेगा, तो हमें अगर थोड़ा बहुत लगाना है तो यही लगाए। तो अच्छा ये बड़ा हो चुका है, बेल लिया मैंने लंबे आकार में, और ये हमें बीच से कट लगा देना है, और एक पोर्शन पकड़ करके हमें यूं मोड़ देना है इस तरीके से, ये देखिए। और हमें स्टिपिंग भर लेना है इसे, थोड़ी ज्यादा भरी जाएगी तो ज्यादा बेस्ट लगेगा, खाने में अच्छे लगेंगे। इस तरीके से कुछ ज्यादा ही हो गया तो थोड़ा कम कर रही हूँ ना। और ये हमें थोड़ा थोड़ा अब पानी लगाना है इसके अंदर, ये देखिए। अरे ये बनके हमारा समोसा तैयार हो गया। तो इस तरीके से हमें सारे समोसे बना लेने हैं, ऐसे ही बनाना है। चाशनी के लिए और थोड़ी सी चीनी डाल करके चाशनी बनानी है, ज़्यादा नहीं डालना है, और बस जितनी चीनी थी उससे आधे से थोड़ा कम ही डाल रही हूँ पानी। चाशनी ये हमारी तैयार हो चुकी है, बस हमें कोई तार की नहीं बनानी है, चिपचिपी ही बनानी है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से तैयार हो गई, इसका कलर भी आ गया, जो मैंने वो केसर के धागे डाले थे और कुछ इलायची डाली थी 2 से 3। तो ये चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है, तो इसको हटा के साइड में कर देती हूँ, और अब रखती हूँ ये घी। घी गर्म होते ही तुरंत ही मैं इसमें समोसा डालने शुरू करूंगी, और समोसे भी हमारे ये बनके तैयार हो चुके हैं सारे इस तरीके से। तो ये जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा उस तब फौरन ही फ्राई करना शुरू कर देती हूँ। तो ये घी हमारा अच्छा गर्म हो चुका है, और कम ही गर्म करने में मतलब रखना है, ज़्यादा तेज गर्म हो जाएगा तो ये अच्छी तरीके से फ्राई नहीं हो पाएंगे। तो कम ही गर्म में हमें इसे एक एक करके इसके अंदर जितने भी आए वो रख दें, ये देखिए ये इतने ही रखे जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि ये छोटी कढ़ाई है। तो ये अब एक साइड हो चुके हैं, तो ये मैं पलट दे रही हूँ दूसरे साइड को, समोसे हमारे तैयार हो चुके हैं, और इस पे डालूंगी चाशनी। ये मीठे वाले समोसे बनाए हमने, चाहे तो इसमें डिप करके निकाल सकते हैं, पर मैं इसमें ऊपर से डाल रही हूँ, तो ये सेम वैसे ही लगेंगे, खाने में बहुत ही अच्छे हैं, टेस्टी। और आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कराएं इस तरीके से। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर करें। ये देखिए कितने अच्छे बने हुए हैं, और देखने में लुकिंग बहुत अच्छी है। कैसे लगे समोसे कमेंट में ज़रूर बताना। समोसे ये क्रिस्पी हो चुके हैं, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ, ये देखिए अच्छे गोल्डन हो चुके हैं। इसी प्रकार तिल से डेकोरेट कर रही हूँ, सफ़ेद तिल से। सर्दियों में सफ़ेद तिल खाने में बहुत ही फायदे हैं, कितने फ़ायदे आपको गिनाऊँ, बहुत ही कैल्शियम फाइबर भरपूर है इसके अंदर, तो आप ज़रूर इसमें सर्दियों में तिल खाएँ। और मैंने समोसों में डेकोरेट करा है, कितने परफेक्टली लग रहे हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। तो आप ज़रूर बनाएं एक बार, कैसे वीडियो अच्छी लग लाइक शेयर ज़रूर करें।